नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग से संबंधित गुजरात के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नवरत्न पुरस्कार। इस नवरत्न पुरस्कार को हमारे नवाचारी शिक्षक छात्रों के बेहतर परिणामों के लिए, साथ ही साथ में छात्रों की बेहतर उपस्थिति के लिए, इसके साथ साथ में समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए व छात्रों के अंदर नैतिक और मानवीय मूल्यों को, उनके अंदर इन चीजों का बीज रोपित करने के लिए हमारे नवाचारी शिक्षक नवरत्न पुरस्कार नामक नवाचार के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने कवि काग अवार्ड, धनवंती पुरस्कार, कलाम पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, वासुदेव कुटुंबकम पुरस्कार के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको लवकुश अवार्ड और एकलव्य पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। लवकुश अवार्ड एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार है। जैसा कि हम जानते हैं, लवकुश अवार्ड का नाम जो है वो भगवान राम और देवी सीता के दो बेटों के नाम पर रखा गया है। जो लवकुश थे, ये दोनों ही अपने जीवन में सभी कौशलों में उत्कृष्ट थे। इसी प्रकार हमारे नवाचारी शिक्षक अपने विद्यालय में जो छात्र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा से प्यार करते हैं और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं और उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है। इस पुरस्कार के माध्यम से छात्र कई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं और साथ ही साथ में वो अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। लवकुश अवार्ड के बाद दूसरा जो है पुरस्कार, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है एकलव्य पुरस्कार। जैसा कि हम जानते हैं एकलव्य के विषय में, तो उसी प्रकार इस पुरस्कार के अंतर्गत जो छात्र सड़क पर और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और सामाजिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, साथ ही यह आत्म शिक्षा पर जो छात्र केंद्रित होते हैं, उन्हें ये एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, साथ ही साथ में जो रोड पर, फुटपाथ पर या फिर दैनिक जीवन जो बिल्कुल ही आर्थिक, जिनकी व्यवस्था सही नहीं है, उनके आधार पर जी रहे हैं, उनको मोटिवेट करना और उनको शिक्षित करना, इन छात्रों को इस कार्य को सौंपा जाता है और जो छात्र सबसे अच्छा कार्य करता है उसको ये एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। यह गतिविधि प्राथमिक माध्यमिक दोनों स्तर की कक्षाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और हम आशा करते हैं ये नवाचार आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। अगर आप इसके आगे के जो पुरस्कार हैं, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार और वनबंधु पुरस्कार के विषय में जानना चाहते हैं और कई दिलचस्प वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप ZIIEI Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।